वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाने लगे हैं ज़बरदस्त सा झटपट सा अचार। तो जिसके लिए हरी मिर्चें ली हैं मैंने बड़ी वाली, और उसको कुछ इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर ली थी बीज निकालने के बाद। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। उसके बाद ये हमने मसाले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून है ये हमने साबुत धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया है राई दाना, और 1 टीस्पून लिया है कलौंजी। साथ में ड्राई जो पाउडर ले लिए हैं, तो खटाई पाउडर मैंने लिया 1 टेबल स्पून भर के लिया है, 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हम मैंने लिए है लाल मिर्चें पीसी हुई बारीक सी। तो सबसे पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं हम। तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर इन तमाम मसालों को, और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसको निकाल के इसको थोड़ा सा कुटा हुआ सा हम पीस लेंगे। धुआं भी निकलने लग गया और ये हो भी चुका है, तो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट पे। ठंडा होने पे इसको पीस लूँगी मैं भी, और पेड़ डाल देंगे हरी मिर्चें। ये झटपट से हमें पकाना वकाना नहीं है। और इसलिए जो हमने पीस लिया था, देखिए कितना दर दरा से पीसा है ये, इसको भी डाल देंगे इसमें। ये ड्राई मसाले डाल देंगे इसके अंदर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इसको 2 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना, ताकि ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं ये ज़रा सी क्रिस्पी रहें, सॉफ्ट ना हो जाए। एक मिनट हो गया है, बस मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये हमारा तैयार है, ठंडा हो जाएगा तो उसको डालेंगे जार में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, फिर वरना आप तो भूल जाते। तो ये जो है सारा डाल दूँ मैं इसके अंदर जार में, और ये आराम से मैं इसको रख दूँगी, और दाल के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और फिर ट्राई करें तो भी आप मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग बना रहे हैं, कैसी लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों को। तो ये हमने इसके अंदर डाल दी है, और ये झटपट से हमारा तैयार हो गया है। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, और आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त है ये तैयार हो गया। ये देखें, तो इसको हम रख देंगे आराम से और इसको यूज़ करेंगे। चलें, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये तैयार हो चुका है, और मैंने इसे बर्नी में डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, और आप इसे दाल चावल के साथ पराठे के साथ यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।